हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, आपने बहुत सारी थेरेपी के बारे में सुनी होगी जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है आजकल। उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है म्यूज़िक थेरेपी। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और उन रिसर्चों के बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो म्यूज़िक है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा जेनेटिक लेवल पर। तो उसी में एक डिजीज़ है कैंसर, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि उसे कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गाना बॉलीवुड से लिया गया है जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, और वो रिसर्च मुंबई, हांगकांग, सिंगापुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हुई है। और ये देखने में आया, उस गाने को जब सुनाया गया पेशेंट्स को, तो जो एक स्प्रेड होता है, मेटास्टेसिस होती है, या फिर जो एक लेवल है कैंसर के बढ़ने का हमारे बॉडी में, वो रिग्रेस हुई है और काफ़ी हद तक पेशेंट में फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। वो गाना है जो कि हमारे ही बॉलीवुड के एक सिंगर मेलोडी किंग कुमार शानू ने गाया है, उनके यह गाना जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना 20 से 25 बार पेशेंट को सुनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट में देखने में आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आपको पता लगे इस तरीके कोई पेशेंट आपके आसपास है, तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक थेरेपी का कोई नुकसान नहीं है, इससे उस पेशेंट को लाभ ही होने वाला है। एक और बीमारी, एक और कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कॉमन बीमारी जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, सीपी, जिसमें बच्चे का जो विकास है, माइलस्टोन्स है, जैसे बोलना, बैठना, चलना, और जो बॉडी की जो मसल्स है उसमें पावर नहीं आ पाती, और मसल धीरे धीरे रिजिडिटी में चले जाती है। तो ऐसे पेशेंट में सारी जो कंडीशन है, ना वो बोल पाता है, ना चल पाता है, ना बैठ पाता है, और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो ऐसे पेशेंट में ये देखा गया, ज्यूरिक की एक जगह है हमारे अब्रॉड में, तो वहाँ पे एक बच्चा 7 साल का, तो उसके पिताजी उसको गाना सुनाया करते थे। एक दिन उसने एक गाना सुनाया कुमार शानू जी का, कुछ ना कहो, तो वो चिल्लाने लगा, हंसने लगा, बोलने लगा। तो तुरंत उन्होंने डॉक्टर को जब बुलाया, तो उन्हें फिर से कहा कि ये गाना सुनने से ही ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने दूसरा गाना जब प्ले किया, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई। पुनः वो जब गाना प्ले हुआ कुछ ना कहो, तो फिर से वो एक्टिविटी हुई। तो उन्होंने कुमार शानू जी को यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि हम आपकी ये वॉइस का कैप्चर करना चाहते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या फ्रिक्वेंसी है, ताकि और सीपी के पेशेंट्स में इसमें रिजल्ट आए। तो ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ये रिसर्च चल रही है। तो आप भी, अगर कोई आपको पता लगता है ये पेशेंट सीपी का है कहीं पे, ऑटिज्म का है, तो आप ये मैसेज दे सकते हैं कि ये इस गाने को वो अपने बच्चों को सुनाए, मे भी हो सकता है उनमें भी कोई एक्टिविटी आए। क्योंकि एक बहुत ही हर्ष की बात होती है, माँ बाप जिसका बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एकदम से किसी गाने को, किसी म्यूज़िक को सुन के उसके अंदर एक्टिविटी आ जाए। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, ये दो मैसेजेस अबाउट कैंसर पेशेंट, अबाउट सीपी पेशेंट, सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट, ये आप मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि ये जो हमारा कंटेंट है काया बंधु का, कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं अबाउट मेडिकल अपडेट्स, जो नई नई अभी खोज हो रही है, इन्वेंशंस हो रही है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।